Shall I start? इम्तियाज जी, क्या मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? Okay, good morning everybody, and good morning our teachers, students, and our expert. Today with the lecture, the topic is the science behind how to keep safe from COVID. आज का लेक्चर का जो टॉपिक है, हम जानेंगे एक साइंटिफिक तरीके से कि ये कोरोना है क्या, और आज हम लोग चर्चा करेंगे स्कूल के कुछ गाइडलाइंस को लेकर, चूंकि स्कूल खुल चुके हैं और कुछ स्कूल और खुलने वाले हैं. तो आज ये कोविड को गाइडलाइंस के लेके कि स्कूल में हमें कौन कौन से अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना चाहिए, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, और हमें कोविड से बचने के लिए क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए. तो आज हमारे साथ स्कूल अटेंड करे आईएसएस सूले गुरुजी इंग्लिश स्कूल, श्री गणेश विद्या मंदिर स्कूल, और गिलेम कॉन्वेंट हाई स्कूल, श्री बंदेसर स्कूल, और बाल विकास स्कूल. तो ये आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए डॉक्टर रुचि तिवारी मैडम, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है DUBS कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, और ये काफी वायरस पर भी रिसर्च किया है इन्होंने, एनिमल्स पर भी, ह्यूमंस पर भी, बहुत सारे डिजीज पर भी इन्होंने वर्क किया है. तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए बच्चों, हम 11:09 हो गए, तो हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. अब कुछ बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब चैनल पर शिफ्ट हो जाए, ताकि और भी स्टूडेंट जो है, आने वाले जो बच्चे हैं वो जुड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अभी वेटिंग रूम में है. तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मोस्टली स्टूडेंट्स है यूट्यूब चैनल पर शिफ्ट हो जाए. तो डॉक्टर रुचि मैडम, काइंडली स्टार्ट दिस लेक्चर. ओके, थैंक यू इम्तियाज जी. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल हु आर प्रेजेंट हियर, स्टूडेंट्स, टीचर्स, देयर पेरेंट्स, गार्जियंस. आई एम डॉक्टर रुचि, एंड टुडे वी आर गोइंग टू, ऑलराइट, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली म्यूट योरसेल्फ सो दैट यू कैन हियर मी, देन वी विल हियर यू. ऑलराइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइंस बिहाइंड हाउ वी कैन कीप अस सेफ फ्रॉम द कोविड-19, दिस डिजीज व्हिच इज स्प्रेडिंग एक्चुअली. So what this disease is and how it is caused, ये हम देखेंगे that this disease, कोई भी बीमारी हम कहते हैं रोगाणु से होती है या कीटाणु से होती है. So this disease is also called by germs, mini germs, जो बहुत small size होते हैं. So what are these germs? Germs. So these germs can cause the infection, and these germs can be present anywhere. ये बहुत ही small sized होते हैं, इतने small sized होते हैं कि हम इनको अपनी naked या open eye से नहीं देख सकते. इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कोरोना जब फैल रही है ये बीमारी, या नया स्ट्रेन फैल रहा है, तो आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर दीजिए और चेहरे पे मास्क लगा कर रखिए, ताकि जब आप सांस भी लें तो आपको साफ सांस आए, जिसमें कि जर्म्स नहीं हो, और जर्म फ्री सांस आप ले सको, आप ब्रीथ कर सको. बिकॉज दीज जर्म्स दे आर इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन हवा में हो सकते हैं, मिट्टी में हो सकते हैं, पानी में हो सकते हैं, खाने की खुली चीजें जो मार्केट में मिलती हैं उनके ऊपर हो सकते हैं. इसीलिए कई बार हम कहते हैं हैजा हो गया, कॉलरा हो गया, अगर आप मार्केट में खुली चीजें खाते हो तो. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ये माइक्रोब्स होते हैं. और माइक्रोब्स कौन कौन से हो सकते हैं? दीज माइक्रोब्स कैन बी बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटिस्टा हो सकते हैं, जैसे डिसेंट्री या डायरिया हो जाता है जिनसे, एल्गी हो सकते हैं, जो पानी में हरे रंग की काई लग जाती है वो भी बीमारी फैलाती है, या वायरसेस हो सकते हैं. तो वायरसेस जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज होते हैं, मतलब इतने स्मॉल होते हैं कि वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं. सो दीज आर सो माइक्रोस्कोपिक दैट दीज आर इवन स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया 10^-6 इतना छोटा होता है, और जो वायरस है वो 10^-9, मतलब नैनोमीटर की रेंज में होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है. दूसरी चीज की वायरस में एक ये गुण तो है ही कि ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, इसीलिए कहीं पे भी हवा के साथ जा सकता है, मिल सकता है. दूसरी चीज, लेकिन ये अपना नंबर खुद नहीं बढ़ा सकता, तो इट कैन नॉट रेप्लिकेट अलोन, क्योंकि ये क्या होता है, बाहर इनर्ट पार्टिकल की तरह पड़ा रहता है. तो कई बार हम कहते हैं कि वायरसेस दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. क्यों? क्योंकि जब वो किसी लिविंग होस्ट की बॉडी में होते हैं, देन ओनली दे मल्टीप्लाई, दे कैन इंक्रीज देयर नंबर, बिकॉज दे हाईजैक द मशीनरी ऑफ होस्ट. And then they uses the component of the host cell to increase their number. ऐसा करके वो अपना number multiply करते हैं. तो इस तरह से वो living body के अंदर living की तरह act करते हैं, लेकिन inert particles में, शरीर के बाहर, अगर मिट्टी में है, mask में है, table के ऊपर है, तो जब वो non-living surface पे होते हैं, there they act as inert particles, जहां वो living चीजों की तरह act नहीं करते. तो इसका मतलब वो खुद से अपना number नहीं बढ़ा सकते. इसीलिए
अगर हम मास्क लगा कर रखेंगे तो हम खुद को वायरस के शरीर के अंदर में आने से बचा सकते हैं। जब हम खुद को बचा कर रखेंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी। वायरस से होने वाली बीमारी केवल ये COVID-19 नहीं है, इससे पहले भी एड्स है, मीजल्स है, स्मॉल पॉक्स है, चेचक है, छोटी माता है, ये सारी बीमारियां पहले भी वायरस से होने वाली बीमारी है। अब वायरस क्या होता है, बाहर से शरीर के अंदर आता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं एंटीजन। जब वो शरीर के अंदर आता है उसके अगेंस्ट शरीर जो है प्रतिरक्षी अणु या प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स बनाता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। सो एनी वायरस और बैक्टीरिया विच इज फॉरेन टू अस, विच इज नॉट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, कैन एक्ट एज एंटीजन। अगेंस्ट एंटीजन इम्यून सिस्टम डेवलप एंटीबॉडीज इन द बॉडी। सो व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स सच एज इम्यूनोग्लोबुलिंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसिटिक सेल्स विच आर पार्ट ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस इन रिस्पॉन्स टू दिस एंटीजन। एंड हेंस इट इज सेड दैट one must go for the vaccination. Why? Because what is this vaccine? Do you know this vaccine is attenuated form or it is weakened form of virus. मतलब हम वायरस को कमजोर करके शरीर के अंदर देते हैं. So that vaccine act as antigen. And when that vaccine is injected within the body, against that antibody is produced. तो जब हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडी होगी, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एज सून एज दिस वायरस एज एंटीजन विल इंटर विद इन द बॉडी, जैसे ये बॉडी के अंदर आएगा, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई है ये जाकर उसके ऊपर जुड़ जाएंगी। मतलब दिस इज लाइक दिस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगा। सो यू कैन सी वेन दी मॉलिक्यूल्स, इनके दोनों हाथ जो आपको दिखाई दे रहे हैं एंटीबॉडीज से, ये अपने दोनों हाथों से ढेर सारी एंटीबॉडीज जाके वायरस को चारों तरफ से पकड़ लेती है। तो जब वायरस को इन्होंने चारों तरफ से ट्रैप कर लिया, तो अब वायरस के जो ऊपर सरफेस प्रोटीन्स है, ऊपर जो खुली सतह है, वो हमारे शरीर की कोशिकाओं से नहीं जुड़ सकती। जब वायरस की ऊपर ये जो सर्फेस दिख रहे हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के ऊपर जाके जुड़ते हैं और उसके बाद शरीर के अंदर जाते हैं, तो जब ये जुड़ ही नहीं पाएगा खुला नहीं रहने के कारण, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज के साथ मिल चुका है, तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा, जुड़ नहीं कर पाएगा। तो जब शरीर की कोशिकाओं से जुड़ेगा नहीं तो अंदर भी नहीं जा पाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा तो अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएगा, अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएगा तो धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ऑफकोर्स वायरस के अगेंस्ट में और एंटीबॉडीज बनाएगा, क्योंकि शरीर को पता चल जाता है कि बाहर से कोई वायरस या एंटीजन अंदर आया है। तो इस तरह से अगर वायरस कोशिश करता है अपना नंबर बढ़ाने के लिए भी, तो हमें अगर बीमारी होगी तो वो थोड़ा सा कमजोर तरीके से होगी। ठीक है, हम आज जिस बीमारी की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है कोविड, जो एक विषाणु या वायरस से होने वाला रोग है, और ये जिस विषाणु से होता है उसका नाम है कोरोना वायरस। इस पिक्चर में आप देख सकते हो इट इज कॉल्ड एज कोरोना बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस इज लाइक अ क्राउन एज इट इज होल्डिंग क्राउन ऑन हिज हेड, इजंट इट? यू कैन सी इन द पिक्चर, सी इसके सर के ऊपर, अगर हम वायरस की संरचना या स्ट्रक्चर देखें, यू कैन सी दिस इज जेनेटिक मटेरियल एज वी हैव गॉट डीएनए इन आवर बॉडी। तो वायरस की बॉडी के अंदर ये आरएनए है विच इज सराउंडेड बाय कैप्सिड और प्रोटीन लेयर। ये प्रोटीन लेयर है जिसको कवर करके रखती है, और इसके चारों तरफ लाइक दिस स्पाइक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। सो दीज स्पाइक प्रोटीन्स बिकॉज दे रिजेंबल लाइक अ क्राउन ओवर द हेड ऑफ दिस वायरस, हेंस दिस वायरस इज कॉल्ड एज कोरोना वायरस। ओके, एंड दीज स्पाइक प्रोटीन्स दे हेल्प this virus to get attached to our body cells and then to enter within our body cells. ठीक है, तो जैसे ही ये कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है, आने के बाद हमारे शरीर में बाहर से आया तो हमारा शरीर एक्टिवेट हो जाता है, हमें सर्दी खांसी जैसे सिम्टम्स होने लगते हैं, आपके गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, आप बात करने की कोशिश करोगे आपको खांसी आएगी, आपका शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाता है जिस वजह से बुखार आता है, और अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। अगर आप ध्यान नहीं दें, कोई बीमार है तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। नाउ बिकॉज ये एक कोरोना वायरस है जो नए टाइप का कोरोना वायरस है, जो 2019 दिसंबर में चाइना से स्टार्ट हुआ, वुहान प्रांत जो था चाइना का, वहां से ये बीमारी शुरू हुई। एंड इनिशियली हमने कहा न्यू कोरोना वायरस, बाद में इसका नाम दिया गया SARS-CoV-2। तो दिस इज द एक्चुअल कोरोना वायरस जिससे ये COVID-19 बीमारी होती है, इट इज कॉल्ड एज SARS-CoV-2। ठीक है, एंड दिस हैज फुल नेम ऑफ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, बिकॉज दिस SARS-CoV-2 वायरस प्रोड्यूसेस very severe and acute जो बहुत जल्दी तुरंत होता है, जिसको टाइम नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, 13-14-10 days का इन्फेक्शन हुआ, आपको 2-3 दिन के अंदर फीवर आ जाएगा और सिम्टम्स दिखने लगेंगे। सो दिस इज एक्यूट टाइप ऑफ डिजीज विच इज वेरी सीवियर एंड इट अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर वी फाइंड डिफरेंट सिंड्रोम। नाउ व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम मीन्स इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट
वी कैन से सिम्टम्स, यू नो सिम्टम्स लाइक समबडी इज गेटिंग कफिंग, किसी को खांसी आ रही है, किसी को गले में दर्द है, किसी को स्मेल नहीं आ रही है, किसी को फीवर आ रहा है, किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है. सो देर आर सो मेनी सिम्टम्स एक्चुअली विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट पीपुल. सो बिकॉज डिफरेंट पीपुल दे मे हैव मिक्सचर ऑफ दीज सिम्टम्स एंड वी कॉल इट एज सिंड्रोम. सिंड्रोम जिसमें कई तरह के लक्षण हो सकते हैं, कई लक्षण एक व्यक्ति में हो सकते हैं या अलग अलग व्यक्तियों में हो सकते हैं. So for that reason, the name to this virus given was Severe Acute Respiratory Syndrome Causing Coronavirus, and then number was provided as SARS-CoV-2. What is this COVID-19? It is a disease which is caused by coronavirus. Now, because this disease is caused by infectious agent virus, hence we call it as coronavirus infectious disease, which was started or began in Wuhan, China in December 2019. So because of year 2019, this suffix of 19 number we have, so it is called as COVID-19. Now this disease was started, and we say that of course coronavirus can infect not only human beings but to mammals, animals and birds also. In case of birds also, it produces infection, which is called as, this infection is called as IB, or we say infectious bronchitis. So infectious bronchitis is also infection of respiratory tract, which is caused by this infectious agent. And hence it is a viral disease. So this coronavirus can infect any human being which was isolated initially from the bats, bats ya chamgadar. Unke shareer mein ye paya jata tha aur wahan se fir isne human beings mein jump kiya. So there is a probability that this coronavirus has come from bats to human beings, from one species to another species. And then this is traveling from in between man to man. So this was about SARS-CoV-2, this new novel coronavirus which has started in 2019. But before to this also, baki coronavirus bhi the, such as SARS-CoV-2, which was started in the year 2003, we can say, all right, 2003. Jo China mein fir se isne severe acute respiratory disease produce kiya tha, and this was started, this has come from the pangolin. So see, in this picture, you can see that origin of virus could be from not just bat, but it can also be from कैमल से भी हो सकता है, पैंगोलिन से हो सकता है, बैट से हो सकता है, रोडेंट से, चूहों से भी हो सकता है. तो डिफरेंट एनिमल स्पीसीज के बीच में ये वायरस आपस में ट्रेवल करता रहता है, जंप करता रहता है, और जैसे ही ह्यूमन बींग्स जो है वो इनके कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो दे दीज वायरसेस दे जंप फ्रॉम दीज एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स. सो सी SARS-CoV-2 वॉज ऑल्सो कोरोनावायरस विच प्रोड्यूस डिजीज इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द ईयर 2003. इसी तरह से मर्स कोरोना वायरस जो सऊदी अरेबिया में स्टार्ट, इसने ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट किया इन द ईयर 2012. दिस वॉज ऑल्सो वन कोरोना वायरस. सिमिलरली आफ्टर 2003, 2012, नाउ इन 2019, एंड फ्रॉम दैट 2020 में और 2021 अब जब खत्म होने वाला है दिसंबर में, तब भी दिस कोरोना वायरस इज इन्फेक्टिंग ह्यूमन बींग. सो दिस SARS-CoV-2 इज स्टिल प्रोड्यूसिंग डिजीज. तो ये एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में आया व्हेन ह्यूमन बींग्स दे वेर फीडिंग ओवर सी फूड और दे वेर विजिटिंग टू लाइव एनिमल फूड मार्केट्स इन वुहान और चाइना. तो वहां से अगर जब हमने बिना प्रॉपरली पकाया हुआ मीट खाया, वहां से ह्यूमन बींग्स के शरीर में आया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद इसने निमोनिया किया. निमोनिया करने के बाद जब ये इंसान बीमार हो गया तो ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई लिखी, लेकिन चूंकि ये सांस से फैलने वाली बीमारी थी तो हेल्थ केयर वर्कर्स जिसमें डॉक्टर नर्सेस ये सब आते हैं, इस व्यक्ति से उनमें भी ये बीमारी लग गई, साथ ही उनके घर वाले, अगर ये घर वालों के साथ रह रहा था तो ये हुआ कि घर में जब एक को हुआ तो दो या तीन लोगों को भी हो गया, क्योंकि उस वक्त उन्हें पता नहीं था ये बीमारी फैलती कैसे है. जब ये बीमारी शुरू हुई किसी को इस बीमारी के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था, बाद में धीरे धीरे पता चला ये सांस से फैलने वाली बीमारी है तो लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया. इसीलिए साथ में रहने वाले घर वालों, उनके फैमिली मेंबर्स में जो उनका ख्याल रख रहे थे, या डॉक्टर्स जिनसे वो दवाई ले रहे थे, उनमें भी ये बीमारी धीरे धीरे फैलने लगी. अब कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा परिवार है जिसे हम कहते हैं कोरोना विरिडी फैमिली. तो इस कोरोना विरिडी फैमिली में अलग अलग मेंबर्स हैं जिनको हम नाम देते हैं अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस या गामा कोरोना वायरस. ऑलराइट, सो लाइक दिस इन दीज डिफरेंट सब फैमिलीज उनके अलग अलग मेंबर्स हैं. तो जो अभी SARS-CoV-2 कोरोना वायरस है, दिस बिलोंग्स टू फैमिली बीटा कोरोना वायरस जो बैट से ट्रांसमिट होता है. ओके, सो इन दिस अभी तक हमें पता है कि कोरोना वायरस जो कोरोना विरिडी फैमिली को बिलोंग करता है उसमें सात मेंबर्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं. वी न्यू इट लाइक सेवन स्ट्रेन्स, बट अभी हमें पता है कि सात नहीं, टोटल आठ स्ट्रेन्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रहे हैं. और इसी वजह से अगर हम देखें तो जो ग्लोबल लेवल पे विश्व में
206 देश जो है उनमें ये बीमारी फैल चुकी है, इसीलिए अब ये बीमारी से महामारी का रूप ले चुकी है। सबसे ज्यादा लॉस अगर हम देखें सो यूएसए, स्पेन, इटली, फ्रांस, रोम में आपने न्यूज में सुना होगा सो मच मोर्टेलिटी वॉज देयर, इतने ज्यादा लोगों की डेथ हुई कि वहां पर उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी स्पेस नहीं मिल रहा था, इतनी ज्यादा तेजी से लोगों की डेथ होती चली जा रही थी। सो इन स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया एंड इन मेनी अदर कंट्रीज ऑल्सो द डिजीज has the havoc form, it caused the mortality and affected many people. वो लोग जिनमें बीमारी हुई और बहुत सारे लोग ठीक हो गए उनमें भी पोस्ट कोविड सिम्टम्स दिखाई देते रहे। साथ ही अभी घबराने की और एक नई बात आ गई, क्या 2020 मार्च में जब लॉकडाउन किया गया तो केसेस कुछ कम हुए पर दोबारा से अनलॉक हुआ, अनलॉक होने के बाद इन दिस ईयर अप्रैल 2021 अगेन डिजीज वॉज स्टार्टेड टू स्प्रेड। क्यों? क्योंकि लोगों ने बिना मास्क लगाए बाहर निकलना शुरू कर दिया, तो जो कोरोना वायरस लोगों के बीच सर्कुलेट करने लगा उसने धीरे धीरे अपना रूप बदलना सीख लिया क्योंकि लोगों ने वैक्सीन लगवानी शुरू कर दी, वैक्सीन जाकर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके वायरस को न्यूट्रलाइज करने लगी, तो वायरस के ऊपर जो उसके हाथ थे, स्पाइक प्रोटीन्स थे, उसने उसमें थोड़े से चेंज कर लिए ताकि अब जो एंटीबॉडी है वो उसको पहचान ही नहीं पाए उससे जुड़ने के लिए और उससे जुड़ ही ना पाए, तो थोड़ा सा चेंज फॉर्म आया। हमने कहा डेल्टा स्ट्रेन आ गया है, डेल्टा वेरियंट, न्यू डेल्टा या डेल्टा प्लस स्ट्रेन आ गया है और अब हम कह रहे हैं ओमिक्रॉन स्ट्रेन आ गया है। तो क्या है ये दीज स्ट्रेन्स? ये सब कोरोना वायरस के ही थोड़ा 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 चेंज रूप है। कैसे चेंज रूप है? आप सपोज आप खुद को देखो, आपके बाल सपोज अभी छोटे हैं, फिर आप सडनली अगर आप बड़े बाल रख लेते हैं तो क्या हुआ, आपने अपना थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी चेंज कर लिया। जिन्होंने आपको पहले देखा होगा और बहुत दिन के बाद देखेंगे सडनली whether they can recognize you or not, थोड़ा चेंज। तो सिमिलरली वायरस की जो संरचना है जिसके ऊपर आपको प्रोटीन्स दिखाई दे रहे थे ऊपर, तो उन प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस था वायरस ने उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। जब वायरस अपना नंबर बढ़ाने के लिए एक शरीर में गया, उससे जब वो दूसरे शरीर में गया तो जब वो अपना नंबर बढ़ा रहा था तब उसने वहां पर अपने जेनेटिक मटेरियल आरएनए में थोड़ा सा चेंज किया जिसके कारण उसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन्स थे उनमें चेंज हुआ। एंड वी नो दैट एंटीजन्स आर प्रोटीन्स, तो जब एंटीजन ये वायरस इसकी संरचना बदल गई तो इसके अगेंस्ट अब जो एंटीबॉडी बनेगी वो भी नई चाहिए हमें। इट इज लाइक लॉक एंड की फिनोमेना, अगर आप ताले के अंदर का जो स्पेस है वो चेंज कर दोगे, ताले के अंदर की जो खाका होता है जिसके ऊपर जाकर चाबी लगती है, अगर आप वो चेंज कर देंगे तो सेम चाबी वहां पर काम नहीं करेगी। सो इट इज लाइक दैट एंड दैट इज व्हाई पीपल आर टेलिंग कि क्या ये वैक्सीन नए स्ट्रेन पे काम करेगी या नहीं करेगी। सो दैट इज दीज डेज वेरी हॉट टॉपिक फॉर द डिस्कशन। तो नया स्ट्रेन जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन आया है साउथ अफ्रीका में इमर्ज हुआ और चूंकि अब इंटरनेशनल ट्रेवल इज स्टार्टेड, लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, इस वजह से अब ये स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है। फैलता कैसे है ये बीमारी? छींकने या खांसने के कारण, किसी संक्रमित व्यक्ति के पास आने के कारण अगर आप उनसे हाथ मिलाते हैं, या फिर ड्रॉपलेट, अगर संक्रमित व्यक्ति ने छींका या खांसा और आपके पास आ गया तो उस ड्रॉपलेट से। तो तीन तरह से ये बीमारी फैल सकती है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन मतलब ड्रॉपलेट छींकने या खांसने के कारण, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन अगर वो ड्रॉपलेट्स हवा में आई, हवा में चारों तरफ है और आप उस माहौल में, उस वातावरण में उपस्थित हैं तो, या फिर फोमाइट्स से। फोमाइट्स क्या होते हैं? फोमाइट्स आर दोज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये इनर्ट चीजें हैं जो लिविंग चीजें नहीं है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होना दैट इज विथ लिविंग पीपल, फोमाइट्स आर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। जैसे आपके मास्क के ऊपर वायरस है, उस मास्क को किसी दूसरे व्यक्ति ने पहन लिया तो मास्क के अंदर जो वायरस था उसके शरीर में वो इनहेल हो गया। सो फोमाइट्स के थ्रू भी ये वायरस फैल सकता है। अगर हम देखें, अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के बिल्कुल पास में हो तो जो शरीर से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, वी कैन सी हियर इन दिस पिक्चर बाय स्नीजिंग, अगर आप छींकते हो तो ड्रॉपलेट्स के एक से दूसरे में फैलने की दर सबसे तेज होती है। तो स्नीजिंग या छींकने से सबसे तेजी से फैलता है, उससे कम खांसने से और उससे भी कम फिर बात करने से फैलता है। इसीलिए आपको किसी भी संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, अगर पास में रहना पड़े भी तो आपको वहां पर मास्क लगाकर रहना चाहिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हो डायमीटर जितना बड़ा होगा वो उतना पास रहेगा, अगर डायमीटर छोटा होगा तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उतना दूर तक फैल सकता है। उसके अलावा ना केवल ये फैल सकता है, वायरस बाहर जीवित भी रह सकता है अलग अलग समय के लिए। तो एरोसोल्स के ऊपर वायरस 3 घंटे तक मेंटेन रह सकता है, जबकि एरोसोल या हवा में, जबकि प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील के सरफेस के ऊपर ना केवल 3 घंटे, ये 3 दिन तक उपस्थित रह सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि रूटीनली सैनिटेशन और सैनिटाइजेशन करवाते रहना चाहिए। कॉपर के ऊपर अप टू 4 आवर्स और कार्डबोर्ड के ऊपर अप टू 24 आवर्स तक ये वायरस जीवित रह सकता है। साथ ही
अगर आप हॉस्पिटल्स गए हैं, आपको या डॉक्टर्स को जिन्हें हॉस्पिटल या क्लिनिक से इस बीमारी का इन्फेक्शन लगता है, उन्हें हम कहते हैं नोजोकोमियल ट्रांसमिशन। मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो जब मरीज का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ओपीडी से ओटी में शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर उनको वेंटिलेटर पर रख रहे हैं, उनको ऑक्सीजन लगा रहे हैं, उस टाइम पर उन चीजों से यदि इन्फेक्शन फैलता है, उसे हम कहते हैं नोजोकोमियल ट्रांसमिशन। साथ ही ट्रांसमिशन के तीन मोड हो सकते हैं, सिम्टोमैटिक, प्री सिम्टोमैटिक और एसिम्टोमैटिक। मतलब ये बीमारी ऐसे लोगों से फैल सकती है जिनमें लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं या लक्षण दिखने वाले हैं, उनसे भी ये बीमारी फैल सकती है। इसीलिए ये कहा जाता है जैसे कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है, जैसे अभी आपने न्यूज में सुना होगा करीना कपूर कोविड-19 पॉजिटिव आ गई, क्योंकि वो किसी की पार्टी में गई थी, तो पार्टी में वो कितने लोगों से मिली, उनकी भी जांच की गई और उसमें से भी कई लोग पॉजिटिव आए। तो इसे हम कहते हैं कि कई बार लोगों में लक्षण नहीं होते परंतु वो इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। तो इस तरह से ना केवल सांस के द्वारा ये वायरस बीमारी फैलाता है, लेकिन अगर ये आपके नाक, मुंह या आंख से शरीर के अंदर जाए तो बीमारी फैला सकता है। अब यदि हम बीमार हैं तो हम बीमार होने के बाद हम जो खाना खा रहे हैं, हमारे शरीर से एक्सक्रीटा निकलेगा, तो यूरिन में, स्टूल्स में या फीकल सैंपल में या सीवेज में भी, बॉडी के अलग अलग सिक्रीशंस में भी, सीएसएफ में भी ये वायरस जो है डिटेक्ट किया गया है। लेकिन अभी तक इस वायरस के वर्टिकल ट्रांसमिशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब ये वायरस एक मदर से होने वाले उसके न्यू बॉर्न बेबी में, जो वूम के अंदर है, यूट्रस में है, उसमें इन्फेक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पाया है। उसके अलावा लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या ये हमारे साथ रह रहे एनिमल्स को भी हो जाएगा और उनसे भी फैल सकता है? तो नहीं, जो एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के साथ, तो ह्यूमन बीइंग्स से उनमें ये वायरस जंप तो करता है, लेकिन जंप करने के कारण वो भी कोविड-19 पॉजिटिव आते हैं, बट उनमें कोविड-19 के सिम्टम्स वैसे नहीं है जैसे ह्यूमन बीइंग्स में है, और उन एनिमल से ये ह्यूमन बीइंग्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए जूनोटिक डिजीज नहीं है। कई चिड़ियाघरों में जो हैंडलर्स थे एनिमल्स के, जब उन्हें खाना खिला रहे थे, वो खुद बीमार थे, तो इस वजह से उन एनिमल्स में भी पॉजिटिव रिपोर्ट जरूर आई, परंतु उनमें सिम्टम्स जो है वो कोविड-19 जैसे नहीं। तो क्या सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के? इस बीमारी से संक्रमित व्यक्तियों में फीवर, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ, या फिर मस्कुलर पेन, गले में दर्द, या फिर कुछ खाने पीने में स्वाद नहीं आना, स्मेल नहीं आना, इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो जैसे ही ये लक्षण दिखाई दे, आपको तुरंत इमीडिएटली जांच करानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही सूखी खांसी या बुखार के लक्षण आते हैं, तो ये मेन लक्षण है जो कोविड-19 बीमारी में फैलते हैं, लेकिन आजकल इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर सीजनल फ्लू, सीजनल कोल्ड भी फैला हुआ है। तो हो सकता है यदि ये लक्षण हो, आप कोविड-19 निगेटिव आए, आपको ये बीमारी नहीं हो और आपको सीजनल फ्लू हो गया हो, तो उस बीमारी को भी रूल आउट करने के लिए, अलग करने के लिए हमें जांच करवाना बहुत जरूरी है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन कौन से लोग रिस्क पर हैं। किसी भी एज ग्रुप के लोगों को ये बीमारी हो सकती है, लेकिन खासकर ऐसे लोग जिन्हें दमा या अस्थमा, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, ऐसे लोग जिनकी बॉडी में अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर है, उन लोगों को ये विषाणु ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। साथ ही ऐसे लोग जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मतलब जो लोग डॉक्टर्स हैं, ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हैं, नर्सेस हैं, जो डायग्नोसिस के लिए ले रहे हैं सैंपल्स, लैब में टेस्ट कर रहे हैं, जो वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व है, वैक्सीन लगा रहे हैं दूसरों को, या फिर जो हाउसिंग क्लीनिंग स्टाफ है, जो हॉस्पिटल्स में या घरों में या मार्केट में, लॉन्स में सफाई कर रहे हैं, उन लोगों को इस बीमारी के होने के चांसेस या संभावना ज्यादा है। चिल्ड्रन में भी, सभी एज ग्रुप के चिल्ड्रंस में अप टू 18 ईयर्स, उनमें भी ये बीमारी हो सकती है और वो कोविड-19 पॉजिटिव आ सकते हैं, परंतु उनमें इस बीमारी की जो इंटेंसिटी है वो उतनी ज्यादा अभी तक नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर थर्ड वेव आई तो हो सकता है ये बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करे, अगर दोबारा से ये ओमिक्रॉन स्ट्रेन जो है, जब ये ओमिक्रॉन स्ट्रेन फैल रहा है, कोविड-19 पॉजिटिव आ रहे हैं लोग, तो हो सकता है उन्हें भी अफेक्ट करे। इसीलिए फिर ये चर्चा चल रही है कि बच्चों का भी वैक्सीनेशन कराया जाना चाहिए। लेकिन इस बीमारी के फैलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जैसे ही कोई संक्रमित व्यक्ति है, उससे यह विषाणु किसी दूसरे व्यक्ति में फैलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही दूसरे व्यक्ति में फैलेगा और वो व्यक्ति जितने लोगों से मिलेंगे, उतना ही तेजी से यह विषाणु फैलेगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि किसी में थोड़े से भी सूखी खांसी या बुखार के लक्षण हो, उनको अपने नाक और गले से सैंपल देकर रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट के द्वारा जांच करानी चाहिए, टेस्टिंग करा के डायग्नोसिस होनी चाहिए, और उसके बाद लक्षणों के अनुसार उनका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए।
क्योंकि ये बीमारी पूरे विश्व स्तर पर फैली हुई है, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक ग्लोबल एजेंसी है उन्होंने इस COVID-19 बीमारी को पैंडेमिक या महामारी का नाम दिया, क्योंकि इस बीमारी से हमारे इंडिया में भी ना केवल लोग इन्फेक्ट हुए बल्कि लोगों की डेथ भी हुई। मैन वुमेन इन एनी एज ग्रुप इट कैन कॉज द डेथ। तो जब लोग इफेक्ट अफेक्ट होने लगे, लोगों की डेथ होने लगी, सो वन कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव हेल्थ एंड कंट्रोल स्ट्रैटेजी वॉज प्लान बाय द गवर्नमेंट सो दैट हम सब मिलजुल कर इस बीमारी को रोक सके। तो इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कई घर घर आकर इस बीमारी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे ताकि पता चल सके कि कौन बीमार रहा है, कौन कौन उनके कॉन्टैक्ट में आए हैं, यदि किसी घर में कोई बीमार है तो उनको कैसे आइसोलेट या क्वारंटाइन किया जा सके ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके, और साथ ही उनके जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया ग्लव्स है या मास्क है उनको किस तरह से प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जा सके, यदि किसी की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली तो उनकी डेड बॉडीज को किस तरह से प्रॉपरली डिस्पोज करें ताकि बीमारी एक से दूसरे में ना फैल सके। साथ ही बहुत ज्यादा जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्यों की भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काउंसलिंग की जाए तथा उस व्यक्ति की जो बीमार है, क्योंकि लोगों में अफवाह फैलती है और लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो जैसे ही इस बीमारी के लक्षण दिखाई दें, आपको लगे आप बीमार हो, आपको क्या क्या करना चाहिए, तुरंत आपको डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए आप आधा पका हुआ या बिना पका हुआ नॉनवेज ना खाएं। फ्रीक्वेंटली कम से कम 20 सेकेंड्स तक अपने हाथों को प्रॉपरली वॉश करें। किसी के भी साथ क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें। यदि आप बाहर से होकर आए हैं इंटरनेशनल ट्रेवल करके या किसी ऐसे जगह से जैसे महाराष्ट्र या कर्नाटका जहां ओमिक्रॉन के स्ट्रेन भी पॉजिटिव आ गए हैं, दिल्ली से, राजस्थान से, तो जहां COVID-19 के केसेस हैं, अगर आप ऐसी किसी जगह से आए हैं तो अपने आने की सूचना या जानकारी अवश्य दें, उसे छुपाएं नहीं। साथ ही जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगा कर रखें ताकि आप अपने हाथों की सफाई करके, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इस बीमारी को फैलने से बचा सके। साथ ही अपने खान पान पर भी ध्यान दें और खाने में ऐसी चीजें इन्वॉल्व करें जो स्पेशली विटामिंस और मिनरल्स में रिच है, जो प्रोटीन रिच है। गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर इशू किया है जहां पर आप कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एंड्रॉयड फोन पर डिफरेंट एप्स हैं जिन्हें आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आरोग्य सेतु ऐप, जिसे गवर्नमेंट ने भी कुछ समय के लिए मैंडेटरी किया हुआ था ताकि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें और आपको अपने आसपास यदि कोई संक्रमित है उसकी जानकारी मिल सके। इस बीमारी से बचने के लिए हमें लोगों के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करते रहना है। हैंड वॉश करने का भी एक तरीका है जो अभी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही आपको एनिमल्स के साथ जब तक आवश्यकता ना हो उनसे मिलना जुलना कम करना चाहिए। अगर आप छींकते या खांसते हैं तो आपको रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का पालन करना चाहिए ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। जब कभी भी सैनिटाइजर लेकर आप अपने हैंड वॉश करते हैं, आपको इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप्स का पालन करना है, और उसके लिए फॉर्मूला है, दैट इज सुमन के। ये सुमन के फॉर्मूला ये बताता है कि जब भी आप हाथ वॉश करते हैं सैनिटाइजर से तो आपको अपने हाथ पहले सीधे, उसके बाद उल्टे, उसके बाद फिर आपको अपने हाथ को मुट्ठी बनाकर, उसके बाद फिर अंगूठा, उसके बाद फिर नेल्स, और उसके बाद फिर कलाई, इस तरीके से आपको अपने हैंड वॉश करने। तो इस सुमन के फॉर्मूला को फॉलो करते हुए जब आप एक सैनिटाइजर हाथ में लेंगे या तो प्रेस करके या फिर फुट पैडल यूज करके, लेने के बाद आपको सुमन के फॉर्मूला फॉलो करते हुए अपने हैंड को वॉश करना है ताकि आप प्रॉपरली आपका हाथ जो है सैनिटाइज हो सके कंप्लीटली ऊपर से नीचे तक, ठीक है। इसके अलावा भी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको भी और हम सभी को अपनी पर्सनल सेफ्टी पर ध्यान देना है, अर्थात जब भी हम बाहर जाएं हम जरूर से फेस मास्क लगाकर जाएं। अगर अवेलेबल हो आप फेस शील्ड भी लगा सकते हो, जहां जरूरत हो वहां फुट कवर पहने, पैर का भी कवर या फिर हेड कवर लगाएं। आप अगर आवश्यकता हो तो ग्लव्स भी पहनकर रखें या फ्रीक्वेंटली सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस इश्यू कर रही है उसका पालन करते हुए हमें अनकंट्रोल्ड मूवमेंट जो है माइग्रेंट पॉपुलेशन का वो भी अवॉइड करना है। आवश्यकता नहीं हो तो घर से बाहर ना निकले। डिफरेंट कंपनीज को आगे आकर नई नई वैक्सीन्स और दवाइयां इन्वेंट करनी है जिनके लिए गवर्नमेंट्स एड प्रोवाइड कर रही है, सो दैट अभी हमने लास्ट समय कुछ टाइम पहले महीनों पहले सुनने में आया ना कि अब हमारी कंट्री में खुद ऑक्सीजन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जब अप्रैल 2021 में सेकेंड वेव इसकी स्टार्ट हुई थी तो कई सारे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ रही थी। तो इन सारी चीजों को खुद हम ये सब करने में कैपेबल हो इसकी भी कोशिश करनी है। हमें क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है, अगर दो लोग पास में खड़े हैं तो उन दोनों को मास्क लगा कर रखना है और आपस में टच नहीं करना है एक दूसरे। चूंकि बच्चों के लिए स्कूल शुरू हो गए, कुछ बच्चों की ऑनलाइन कुछ की ऑफलाइन क्लासेस भी लग रही हैं। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की हैं स्कूल्स के लिए भी
कि सभी बच्चे एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर वहां बैठेंगे। तो स्कूल्स के अंदर भी आपके क्लासरूम्स प्रॉपरली वेंटिलेटेड होने चाहिए, डोर्स और विंडोज प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए, वेदर सा अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, बच्चों की जो सीट्स है वो प्रॉपरली डिसइंफेक्ट की जानी चाहिए, टॉयलेट फैसिलिटीज और हैंड वॉशिंग की फैसिलिटीज प्रॉपर होनी चाहिए, साथ ही स्कूल्स का टाइप होना चाहिए हेल्थ फैसिलिटीज के साथ, ताकि यदि किसी में भी सिम्टम्स दे तो इमिडिएटली सैंपल कलेक्ट करवा के उनकी जांच कराई जा सके। स्कूल्स में जो सपोर्टिंग स्टाफ है स्टूडेंट्स के अलावा, सच एज टीचिंग स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, लाइब्रेरियन है, मेस पीपल है, ड्राइवर है बसेस के, तो उन सबको भी इसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे ही किसी को सूखी खांसी या बुखार के लक्षण दिखाई दे वो तुरंत अपनी जांच कराएं। स्कूल्स में डिसइंफेक्टेंट प्रोक्योर किए जाने चाहिए और अगर आवश्यकता हो तो उन्हें किस प्रकार बनाया जाता है इस बात की भी जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही स्कूल प्रेमाइसिस मतलब स्कूल का कॉरिडोर है, डोर्स है, विंडोज है, बेंचेस है, उन सबको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना चाहिए। स्कूल में अटेंडेंस हम कहते हैं एटलीस्ट 75% मेंटेन होनी चाहिए। इसके लिए कई बार इट्स नॉट जस्ट ऑफलाइन बट ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रोविजन होना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लासेस हो सके। साथ ही वर्चुअल क्लासरूम्स इन पर्सन के अलावा भी यूज करने चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं बच्चों को 50-50% बुलाया जा रहा है, कई स्टूडेंट्स को अल्टरनेटिव डेज पर बुलाया जाता है। सिमिलरली पेरेंट्स टीचर जब मीटिंग हो रही है तो जितना पॉसिबल हो टेलीफोनिकली या वर्चुअल बाय यूजिंग डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स अगर की जा सके तो वो ज्यादा अच्छा है। दैट इज अ बेटर अप्रोच बाय विच वी कैन अवॉइड द क्लोज कॉन्टैक्ट। सो Following the formula of SMS or COVID appropriate behavior, we can protect ourselves as well as जो हमारे साथ वाले हैं उनको भी हम इस बीमारी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला SMS? SMS is that you have to use soap or sanitizer, you have to wear the mask and then you have to follow the social distancing. इस तरह से आप स्वयं को और बाकियों को भी बचा सकते हैं। साथ ही अगर आपको कफ एटिकेट्स, अगर आपको खांसी आ रही है किसी पब्लिक प्लेस पे, तो आप कोशिश करें हैंडकरचीफ, रुमाल यूज करें, मास्क लगा कर रखें, और अगर आपके पास दोनों चीजें नहीं है सो यू हैव टू बेंड योर हैंड लाइक दिस सो दैट जो भी ड्रॉपलेट्स है वो बाहर ना आए हमारे बात करने या छींकने और खांसने के कारण, ठीक है। इसके साथ साथ क्लास टीचर्स और स्टूडेंट सभी को इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में बताया जाना चाहिए। जो स्टाफ या टीचर्स स्कूल्स में आ रहे हैं उनका टीकाकरण या वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। कोशिश करें कि उन्होंने दोनों डोज वैक्सीनेशन की लगवा रखी हो। यदि उसके बावजूद उनमें कभी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स दिखाई दे तो वो सेल्फ डिक्लेयर करें और खुद को स्वयं ही आइसोलेट या उसके अलावा क्वारंटाइन में कर लें, लोगों से अलग कर लें, ताकि अगर जांच कराने के बाद वो COVID-19 पॉजिटिव आए तो उनसे ये बीमारी दूसरों में ना फैल सके। साथ ही आपके बीच हम ये जानकारी इसीलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आपको पता हो कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो आपको खुद कैसे बचना है जब आप घर से बाहर जा रहे हो या जब बाहर से आप अंदर आ रहे हो, तो प्रॉपरली आपको जो मास्क लगा के रखना है बाहर, घर आते ही उसे डिस्कार्ड करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, और अपना हैंड प्रॉपरली सैनिटाइज करना है। आने के बाद आपको प्रॉपर शावर या बाथ लेनी है, उसके बाद लोगों से मिलना है। सिमिलरली ऐसे बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनको कोशिश करनी है कि हॉस्टल भी प्रॉपरली प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हॉस्टल्स में पालन करें, और हॉस्टल्स और घर दोनों जगह इसका पालन करने के साथ साथ वो कोशिश करें कि जानकारी भी आपस में लोगों के बीच शेयर करें, ताकि अफवाहों पे ध्यान ना दें और लोगों को क्लियरली बता सकें कि इस बीमारी से किस तरह बचा जा सकता है प्रयास करने के द्वारा। It is very commonly said that we need to stay strong. Very famous cricketer Virat Kohli, you can see in this picture, he is also wearing the mask. See, and he said that we need to stay strong. Because SARS-CoV-2, Delta strain, Delta plus, and now this Omicron strain, and we don't know. अगर अभी दो महीने बाद हमें एक और नया strain सुनने को मिले, तो ये जितने भी कोरोना वायरस के strains फैल रहे हैं, इन सबसे बचने के लिए हमें सारी की सारी प्रोटेक्टिव मीजर्स लेनी है, तभी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और बच सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक मिलेनियम इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन फॉर दिस इनिशिएटिव कि हम स्कूल्स के टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चों सभी में ये इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचि तिवारी मैडम, आज हमारे साथ जुड़ी है ऐसे लास्ट मोमेंट पर, और बच्चों को तो अब मैं मैडम को फ्री करना चाहता हूँ, क्योंकि मैडम का क्लास है, ये मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, आप सभी को बच्चों को धन्यवाद। थैंक यू। ओके, वेलकम। थैंक यू। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैम ने आपको बताया कि आज की कोविड को लेकर, गाइडलाइंस को लेकर स्कूल में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी आप देख रहे हो कि ओमिक्रॉन न्यू जो वेरियंट है वो काफी तेजी से फैल रहा है, अमरीका यूके में ये जो है काफी डरावने वाली स्टेज पर आ चुका है।
हमें ये है कि हमें हमने क्या किया, इस कोविड को सीरियसली लेना छोड़ दिया। सीरियसली लेना का मतलब क्या है कि हमने मास्क लगाना छोड़ दिया, हमने सैनिटाइजेशन करना छोड़ दी, बहुत सारे लोगों ने भीड़ भाड़ करना, इकट्ठा गर्दी करना शुरू कर दिया। तो हमें चाहिए कि इन तीन चीजों को फॉलो करें, और इस हम नए वेरिएंट से भी लड़ सकते हैं। ये तीन चीजें अगर हम फॉलो करेंगे, सैनिटाइज योर हैंड, वियर योर मास्क प्रॉपर, मास्क आपका प्रॉपर होना चाहिए, चिन और नोज आपका ढका होना चाहिए, और ज्यादा भीड़ भाड़ एरिया में हमें नहीं जाना चाहिए। अगर ये हम तीन चीजों को फॉलो करेंगे तो नए वेरिएंट हो या कोई भी वेरिएंट हो उससे हम बच सकते हैं। और अगर आप आपके पेरेंट्स जो है, अगर मम्मी पापा है या दादा दादी है, वो भी घर से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें भी आप रिक्वेस्ट कीजिए, बड़ा प्यार से कहिए कि मम्मी पापा आप मास्क लगा के जाएं, क्योंकि बाहर अभी भी कोविड इंडिया में खत्म नहीं हुआ है, अभी भी केसेस आ रहे हैं। तो अगर आपको इस इंडिया को या मुंबई को थर्ड स्टेज से बचाना है, तो आप सभी को एक कोरोना वॉरियर्स भी बनना पड़ेगा। कोरोना वॉरियर्स का मतलब ये है कि आप खुद ही मास्क लगाएं, दूसरों को भी। अभी आज के अवेयरनेस के बारे में बताया कि हमें आज एक लेक्चर किया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और हमें बताया गया था कि क्या क्या रूल्स को फॉलो करें। तो आप इन सभी चीजों को दूसरे तक पहुंचा के आप भी एक कोरोना वॉरियर्स बन सकते हैं। अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने अपने कॉलोनी एरिया के या सोसाइटी एरिया के अपने फ्रेंड्स को बताएं, क्लासमेट्स को बताएं, तीन सभी चीजों को फॉलो करके आप कोविड्स के आने वाले नए जो थर्ड वेव है उसे आप लोग रोक सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ स्कूल जुड़े हुए थे, ISVN सुले गुरु जी इंग्लिश स्कूल, श्री गणेश विद्या मंदिर स्कूल, अवगिलम कॉन्वेंट स्कूल, श्री बंदिसार और गुरु नानक स्कूल। तो इन सभी स्कूल के स्टूडेंट्स को, टीचर को, प्रिंसिपल को, सभी को धन्यवाद जो आपने इस लेक्चर को काइंडली लिसनिंग सुना। हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए थे करीब 300 से ऊपर स्टूडेंट्स है, और यूट्यूब लाइव पर भी आज करीब 400 स्टूडेंट जुड़े हुए थे। तो यूट्यूब से भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका भी हमारा धन्यवाद। तो बच्चों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो, तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके वन बाई वन करके क्वेश्चन को भी आप पूछ सकते हो। जस्ट आई एम अलाउिंग टू यू जस्ट 4 मिनट्स टाइम। स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। बेटा, आपके भी कोई क्वारी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछिए जी। सर, वो बीमारी आँख से कैसे फैल सकती है? जी, क्या बोलिए? आँख में कैसे फैल सकती है बीमारी? ये जो है ना, आईज से भी, जैसे आईज में जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, टियर ग्लैंड्स होते हैं, तो उसके थ्रू भी होता हुआ, क्योंकि नोज जो है, माउथ जो है, आईज जो है, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उसके थ्रू भी जाने के वायरस की चांसेस होती है। तो आईज से होते बहुत, मतलब 2 से 3% रियल चांसेस होते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं माउथ से और नोज से। इसलिए अपने हाथों को, इन्फेक्टेड हाथों को बार बार अपने आंख पर, नोज पर और माउथ पर टच नहीं करना चाहिए। आप किसी भी चीज को छुए हो, टच किए हो, तो आप अपने हाथ को प्रॉपर साबुन से वॉश कर लीजिए या सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लीजिए। सर, बोलिए बेटा। सर, मुझे आपसे कहना है कि थैंक यू, आपने हमें इस वायरस के बारे में बताया, क्योंकि हमें इतनी जानकारी नहीं थी। सो थैंक यू, क्योंकि हमें नहीं पता था। ओके, थैंक यू सो मच। और भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन हो, क्वारी हो, तो बेटा पूछ लो आप लोग भी। सर, बोलिए। जो वायरस होता है वो होता है क्या? दोबारा पूछिए, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर बेटा। सर, जो वायरस होता है वो डेड बॉडी से भी स्प्रेड होता है क्या? जी हाँ, वायरस जो होता है वो एनिमल से ह्यूमंस में ये ट्रांसफर होता है। जैसे रेबीज का वायरस जो है, एनिमल के बाइट से, यानी डॉग के बाइट से या कैट के बाइट से वो इंसानों में हो जाता है, तो उसी तरीके से ये वायरस जो होता है वो जूनोटिक डिजीज भी होते हैं, यानी एनिमल से ह्यूमन बींग में ये ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जैसे लोगों ने सुना है कि ये कोरोना वायरस जो था चमगादड़ों में हुआ करता था, उसके बाद से पोर्किन में आया, पोर्किन से फिर इंसान में आ गया, ह्यूमन बींग में आ गया। तो ये वायरस जो होते हैं वो कम्युनिकेबल होते हैं, ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर होते हैं और एनिमल्स टू ह्यूमन्स भी ट्रांसफर होते हैं। तो जो वायरस एनिमल्स टू ह्यूमन्स में ट्रांसफर होते हैं उसे हम जोनेटिक डिजीज कहते हैं।
जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, है ना। और भी बच्चों को कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो? थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को। और आज का जो लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं महाराष्ट्र की तरफ से और बीएमसी बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन, आपने नाम सुना ही होगा कि जो कोविड के टाइम में काफी लोगों को हेल्प किया, अवेयरनेस का काम किया और लोगों को किस तरह से आइसोलेट किया जाए, किस तरह से लोगों को ट्रैपिंग की जाए, तो ये बीएमसी ने काफी वर्क किया। उसके तरफ से भी आज प्रोग्राम को भी रखा गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट बीएमसी की तरफ से, और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करा था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC मुंबई और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराई गई थी मिलेनियम इंडिया एजुकेशन। तो थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी को थैंक यू सर, 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 थैंक यू सर।